Thank you.
के नीचे आ जाए, जल्दी से व्यवस्था बनाएंगे। व्यवस्था आपकी है, अपन को ही बनानी पड़ेगी। सिख टैगर जिन्हें अभिषेक कर लिया है वो नीचे आ जाए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री कृष्ण महाराज की। सभी जितने भी पाठशालाओं के बच्चे आए हुए हैं, पाठशालाओं के शिक्षक गण सुने, उन्होंने अपनी पाठशाला के एक पर्ची पे नाम लिख करके भेजे हैं और कितनी संख्या में आए हैं वो संख्या लिख करके भेजे हैं पाठशाला की। दूसरा, हमारे यहाँ जितने भी महिला मंडल आए हुए हैं वे अपना महिला मंडल का नाम यहाँ पर भेजे, तो आज आपकी यहाँ पर सूचना आपको हम बुला सकते हैं पूजन के समय आ सकते। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। आज बड़ा पावन दिन, तीसरा युवा समागम, आप सबकी लगातार बढ़ती उपस्थिति, आज कौन सौभाग्यशाली होगा जो शांति धारा, प्रथम शांति धारा करने का अवसर प्राप्त करेगा। शांतिनाथ भगवान के ऊपर प्रथम शांति धारा कौन सौभाग्यशाली होगा, जिसे आज यह सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसे जो भी सौभाग्यशाली हो, 5151 रुपया आज अरहम ग्रुप वालों का नंबर था ना। अरहम ग्रुप वाले कहाँ है भैया, बोलो जल्दी, आज छड़ी आपके नाम पे जाने, बोलो जल्दी बोलो। 61 से 61 रुपया जल्दी आ जाओ, कपिल आगे आ जाओ, जो जो उनके नाम हो सबके नाम आज छड़ी शांति धारा अरहम ग्रुप के लिए जाना चाहिए। जल्दी थोड़ा के आगे दबाओ, आपको 11111 कौन सौभाग्यशाली रहेगा। अच्छा चलो, जो परसों 2 तारीख को डोंगरगढ़ जा रहे हैं वो भी चाहे तो वाले यहाँ पर शांति धारण कर सकते हैं। अब हाथ आपका है, पुण्य आपका है, और जो यहाँ से शांति धारा करके जाएगा उसकी सारी तमन्नाएं डोंगरगढ़ में जाकर के पूरी होगी। 11111 रुपये एक, जल्दी बोलो कौन किए 11। चलो भैया और आगे बढ़ाओ, आज टाइम का मैं सोनू, अरे शैलेंद्र लवोली, तुम तो यार इतनी दूर आए हो इतने बड़े बाजार से, एक मीडिया डाक भी पड़ रही है, जल्दी आओ आगे तरह। कपिल आप लोग ऊपर तो आ जाओ जरा सामने, बुलाओ ना सोनू। 11111 रुपये एक, छह नाम दे दो हमें जल्दी फटाफट, 5 मिनट में, क्योंकि समय भी देखना है, पिछली बार में विलंब हो गया था। मैं आप लोग ऊपर तो हो जरा, नितिन आ जाओ ऊपर, अरे आ गया आ गया आ गया आ गया, हाँ जल्दी आओ, बोलो कितने 12112 जल्दी करो, अरे ऊपर आ जाओ, अरहम ग्रुप वाले देख रहे हो कितनी मदद करते हैं, कितना काम करते हैं, कितना सहयोग करते हैं, सहयोग सेतु चलाते हैं, जल्दी आ जाओ आगे। 12112 रुपये एक काम करो सुनो कार्यकर्ता सोनू, और जे लेकर के जाओ नीचे पर्ची, और जो पेन लो, जो भी महिला मंडल और पाठशाला वाले हैं उनका नाम लिख करके पहुंचा दिए, हाँ सबको लिखवाओ, संख्या भी लिख करके भेजना है। हाँ गोमेना।
अभी जिनको अभिषेक करना है वहाँ कपड़े डले हुए हैं शुद्धि के, वो जा करके बदल करके आ सकते हैं, फटाफट कपड़े बदल करके, धोती दुपट्टा रखे हुए हैं संतनिवास में, वहाँ पर जल्दी बदल करके पहुँच जाएं। 15,515 रुपये 1, 2, 2.5, 3 और ये पूरे अब रुको रुको भी करें 21,221 रुपया। तालियां तो बजाओ भैया, ये हाथ मांग के बैठे हैं। सुनो, अभी आराम करो की नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये बाहर वालों की है, बाद में नहीं लेना। और आज सुनो, आज आपको वो सौभाग्य मिलने वाला है, वो सौभाग्य मिलने वाला है, बताओ छक्का मिलने वाला, पता ही नहीं है कौन। हम और पूरी बात बुंदेलखंडी में करते हैं, और आज आचार्य भगवान की पूजन भी बुंदेलखंडी में करने के लाने बांधनी से एक मोड़ा नीले साओ है अपनी गृह मंत्री के संग है। नहीं है, चलो मुकेश जी पीपरा परिवार पीपरा से मालूम कौन है, पूज्य मुनि सुखरत सागर जी महाराज की ग्रह जन्मस्थली है पीपरा। ऐसे मुकेश जी, राजेश जी, नीलेश जी, मानस जी, निखिल जी, आयुष जैन, पीपरा वाला परिवार, इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। चले दूसरा जल्दी, वो 15 वाले कौन, उनको लिया फटाफट। सागर में काम करते, सागर में जैन पंचायत सभा में सोशल मीडिया के प्रभारी है, ऐसे श्रीमान दयाचंद जी, सचिन कुमार जी, सचिन जैन राजकमल के नाम से जो जाने जाते हैं, कंप्यूटर की दुकान है, ऐसे इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं भैया। बच्चे बच्चे तालियां बजाएं, और जो बच्चे ताली भी बजाएंगे आज उनको नाश्ता देरी से दिया जाएगा। नहीं चले मुनि सुब्रनाथ, मुनि सुब्रनाथ भगवान के ऊपर 11,111 मुनि सुब्रनाथ भगवान के सिर पर शांति धारा करने का सवोसर आओ मुकुट। 15,515 रुपये 1, 2, 2.5, 3 अध्यक्ष कहाँ गए भैया, चतुर्मास कमेटी के, उनके सिर पर दांत दिखा रहे हंसते होंगे, गोलियां इनकी लग रही तो हंस रहे हैं बैठे बैठे। 15,515 रुपया 3 यह सौभाग्य हासिल किया है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान के सिर पर आज रविवार करने का अवसर, आज रविवार का दिन है, जो भाग्यशाली होगा उसको ही अवसर मिलेगा। दो नाम है हमारे पास, 15
माइक से बोल दो ना। एक नाम मत लिख ले भैया, ये 5100 रुपए में दीपक कुमारी बहेरिया, अंकुर जी बहेरिया, इनके ये भी हमारे यहाँ जो मंदिर का निर्माण है तो मूल नायक भगवान की विराजमान करता है और अन्य कई इनके द्वारा दान यहाँ पर दिए गए हैं। स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जी बहेरिया वालों के सुपुत्र हैं, उनका भी नाम लिख ले भैया। नोट कर लेना, नोट करने वाले दीपक जी बहेरिया और भैया इनको जल्दी एक नाम और दे दो। चलो एक एक नाम दे दो, तीन आराम करो। जल्दी बोलो, दो नाम और दे दो, बाद में तो दो मिनट के अंदर। नवीन श्री जी, तुम्हारा नाम नहीं आया, तुम्हारा ग्रुप में हो, आ जाओ ऊपर आओ, ऐसे नहीं हो गया। नवीन श्री जी थोड़ा ए, नवीन थोड़ी सी तुम अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा पीछे और करो, इसको अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। नवीन बच्चों को जी, एक नाम लिख लेना, तीसरा तीसरा एक और रह गया है, जल्दी बोलो। अर्जेंट मिलेगा तुम्हारा तो 1500 में कम का लेके आए, तुम्हारी महंगाई ऐसी है। एक नाम मान लगाओ, अर्जेंट जी बिलेरा चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष के सुपुत्र अर्जेंट जी बिलेरा, आइए। नाम लिख लिया, तीन हो गए। अब देखो इनके इन लोगों के साथ में करना है तो अब दो नाम आए अभी जी, ये पूरे तो, आराम ग्रुप के हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो चा इनके साथ में भी आज के पुण्यार्य के ये लोग हैं, चले आ जाओ। नितिन चौधरी नाम तो नहीं भेजे लो, पेन तुम्हारे पास था ना। अमित एक 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 जे महिला मंडल कहीं ना, अमित कुछ तो बहुत देर हो गए। विमल कुमार जी सी हो रहा, अमित कुमार जी सी हो रहा, पेट्रोल पंप वाले, अब 10 नाम हो गए, दो और दे दो तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा सुनो सचिन, तुम बताओ कौन कौन के नाम लेने, हम ले लें, बोलो। अब बुला आराम ग्रुप के जितने भी लोग हो उनके कमेटी के लोग कह रहे हैं कि सबको ऊपर बुला लें, आ जाए भाई आराम वाले। आज का नाम सुनो, दैनिक भास्कर में आज छपा है आराम ग्रुप का, तो कल फोटो छपेगी आराम ग्रुप की, याद रखना, बाद में नहीं देना। जल्दी आओ भैया आराम वाले। अखिलेश राजश्री कहाँ है? बहुत सौभाग्यशाली है अखिलेश राजश्री, दुबई में। चलो आ जाओ अभी ले गए। सुनो सोनू जैना की तो पिछले 23 तारीख को हो गई थी उनकी धर्मपत्नी की जन्मदिन था उस दिन। अब कौन कौन रहेगा? दो नाम चाहिए दीपक, जल्दी दो नाम दे दो फटाफट यार। अर्जुन तुम बता दो, एक दो नाम चाहिए, दो नाम अखिलेश आ गए दुबई से आ गए। चलो आ जाओ अखिलेश जोड़ के आ जाओ, एक नाम लिख दो तुम्हारा। अरे तुम आज से हम और करते हैं, आ जाओ एक नाम लिखो। अखिलेश जैन राजश्री पाल राहुल सागर, जल्दी में तालियां तो बजा दो। कपड़े बदल ले आओ, वहाँ संत निवास में रखे, शुद्धि के बस रखे, बदल आओ जल्दी। हम लोग कितनी मेहनत कर रहे, हम लोग तालियां नहीं बजा पैसा। आज सुनो, आज एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनो, एक खुशखबरी ये है, कक्का जी को श्रीफल दो, कहाँ गई बहन है वो,
कहाँ अनीता, सुनो सुनो अनीता दीदी, और वो कहाँ है सविता दीदी वगैरह आई नहीं उनके साथ? श्रीफल दो कक्का जी को। आज सुबह सुबह आचार्य भगवान का आशीर्वाद आया और गुलाब चंद जी अभी तक तो आप लोग उनको जानते थे और प्रातः काल उनको दसवीं प्रतिभा का संकल्प कराया गया गुरु जी के द्वारा, है ना। और आज से आचार्य श्री ने उनका नाम दिया है भव्य छपक आसन्न सागर। भव्य छपक आसन्न सागर महाराज की, महाराज नहीं छपक है, छपक सागर। चलो, चलो। सभी लोग आज से वो दसवीं प्रतिमा का संकल्प लेकर के और अपनी आत्म साधना को पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से सतत अपने मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं और उसी का संकल्प करते हुए कायसर करवा दो एक काक जी को, वहीं से पैसे कर चुके हैं फिर भी एक सबके सामने। और भैया एक साइड हो जाना, तुम कायसर कर लो महाराज जी। आज 12 लोगों के नाम हो गए हैं, बड़ा पुण्यशाली दिन है। तीसरा आप देखो, अभी आप देखना 15 मिनट बाद यहाँ पर जैसे बोलियां समाप्त होंगी और लोगों की उपस्थिति बढ़ जाएगा, चिंता नहीं करें। अब सब लोग आ जाए, हमारी शांति धारा का काम हो गया है, 12 नाम हो गए। अब जिनको अगले हफ्ते करना हो वो देवेंद्र जैना स्टेट के पास जाकर के अपना नाम। और आज सतत साधना करते हुए और अपने पूज्य आचार्य भगवान ने बिल्कुल प्रतिदिन 2-3 बार उनकी बिल्कुल ध्यान वहाँ दूर रह करके भी पास बनाए हुए हैं। ऐसे हमारे आसन भव्य छपक के नाम से पूज्य आचार्य भगवान ने नाम दिया है आसन्न सागर। और ऐसा परिवार धन्य है जो अपनी साधना और तत्पर रहते हुए अपना आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सभी लोग एक एक उनके साधना की सराहना करते हुए, एक एक कायोत्सर करते हुए हम सब लोग भी अनुमोदना करते हैं कि हम भी ऐसा कार्य करें अपना और आज शांतिदारक करें। बिल्कुल बहुत अच्छा। नहीं आप लोग चलो शांतिधारा, सभी पर शांतिधारा करता झारी ले, सभी जिनकी भी बोली है शांति धारा करता। वाले देखो पाठशाला के बच्चे आ रहे हैं, उनको आ जाओ बेटा जल्दी आ जाओ, अंदर आओ, यहाँ साइड में उनके बच्चों के साइड में यहाँ डबल डबल का लाइन कर दो उनके साथ, यहाँ पे जो बीच में है ना इधर आ जाओ सब। बोलो देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ मुनि सुब्रतनाथ पार्श्वनाथ भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री मित्रागाय नमः। ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रे ह्रो ह्रों रं रहा ब्रह्म दीं द्रावदेव नवरते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वासलाभार्थम समस्त मुनि संघ आरिका संघ समस्त मुनि संघ चतुर्विध संघ से श्री भव्य छपक आसन्न सागर जी साधना संपन्नार्थम समस्त शांति धारा कर्ता परिवार समस्त उपस्थित श्रीरस्तु वृद्धिस्तु तुष्टि शांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माकं समस्त कार्य सिद्धार्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद अरहद सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः।
अस्माकं समस्त शांतिधारकर्ता परिवार समस्त उपस्थित भक्तजना सकल दिगंबर जैन समाजस्य समस्त कार्य सिद्धर सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमदारद्ध सर्वज्ञ परवेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं समस्त शांतिधारकर्ता प्रथम अभिषेककर्ता पुण्यार्जक परिवारस्य श्री शांतिवर्तक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य श्री वृद्धिस्तो सद्धर्म स्वास्थ्य सपरस्य स्वर्ग प्रसिदंतु न। ओम ह्रीं श्री विश्वाधर श्री वर्धमान परंत चतुर्मिशतुरभक्ता सर्वज्ञ परमंगलां देया। अस्माकं समस्त शांतिधारकर्ता परिवार समस्त उपस्थित भविजना सकल दिगंबर जैन समाजस्य ये मूत्रं च सिद्धं तन्वन्तो सद्धर्म कार्य विषय मूत्रं च सिद्धं पिच्छन्तु न। ओम नमो रेते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास्तिकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय द्रवितुजमूर्ते प्रभामंडल मणिताय द्वादशगण सहितानंद चतुष्ट सहिताय समुसन केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादशतरसत्तरचत्वारिशत्संयुक्ताय परवेष्टि पवित्र ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोक वसंकरा सत्ज्ञान सत्यब्रह्मणे उपसर्वनाशने घाति कर्म क्षय ग्रह जराय वाय समाकम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त मुनि संगारिका संघ चतुर्विध संघस्य श्री भव्य छपक आसन्न सागर सवन सानंद संपन्नार्थम श्री शांतिधारा कर्ता परिवार श्री प्रथम शांतिधारा कर्ता परिवार नाम श्री जेई है ना कहाँ लिखे ये दयाचंद जी राजेश कुमार जी सचिन कुमार राजकमल श्रद्धा सुब्रत जेई है ना शांतिधारा श्री मुकेश कुमार जी जैन पीपरा वाला परिवार से श्री दयाचंद जी जैन सचिन सरभ राजकमल परिवार से सुधीर कुमार जी जैन अनूप जैन पापुलर परिवार से सौरभ जैन उपकार मंडला वाला परिवार से श्री दयाचंद जी जैन ऋतुराज जैन आकर्षण परिवार से श्री शैलेन्द्र कुमार जी जैन जी क्या लिखा धवली हाँ धर्मेंद्र कुमार जी जैन धवली परिवार से दीपक जैन बहेरिया परिवार से नवीन कुमार श्री जी परिवार से श्री आर्यन जैन बिलार परिवार से अखिलेश जैन राजश्री पादी पात्र हाउस परिवार से जैन बांद्री परिवार से विमल कुमार जैन अमित कुमार जैन परिवार से और प्रथम अभिषेककर्ता अरहम ग्रुप समस्त ग्रुप के सभी सदस्य और श्री मुकेश कुमार जी श्रीमती कुसुम जैन परिवार से राजेश कुमार जैन पीपरा जैन परिवार से नीलेश कुमार जी जैन परिवार से और ये मानस जैन निखिल जैन आयुष जैन परिवार से समस्त प्रथम अभिषेककर्ता परिवार से लिख दिया शैलेन्द्र कुमार धर्मेंद्र कुमार जी जैन मंजू अभिषेक अभिलाषा समस्त धवली वाला परिवार हो गया क्या मंडला वाला मंडला अच्छा श्रीमती रानू जैन गगन शैली अमल सेंजल माँ बलर्स मंडला वाला परिवार समस्त उपस्थित भक्तजना सकल दिगंबर जैन समाजस्य समस्त पाठशाला के बच्चे पाठशाला पढ़ाने वाले समस्त महिला मंडल समस्त उपस्थित भक्तजना सकल दिगंबर जैन समाजस्य व्याधिं दिनन्तो जिनाभिषेक पूजा प्रसाद सेवकानां सर्वरोगशोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो सर्वरोगशोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो सर्वरोगशोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो। ओम नमो रेते भक्त प्रक्षीण शेष दोष कलम सा देवतो जो मूर्ते श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर्विघ्न विनाशाय सर्वगपेतु विनाशनाय सर्वप्रकट शुद्रभद्र विनाशाय सर्वारिष्ट शांतिकराय। ओम राम रीम रूम रघुरा असि आउसा नमा मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा मम कामम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम भैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्विघ्नम सर्व राज भयम सर्व चोर दुष्ट भयम सर्व सर्प वेक्ष हादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोष व्याधिम डामरम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्व शूल रोगम कुछ रोगम अक्ष रोगम सुरु रोगम जुरु रोगम च सर्व नरमारीम सर्व गज सुगमसि यजमारीम सर्व सस्य धान वृक्ष लता गुल पत्न पुष्प फल मारीम सर्व राष्ट्र मारीम सर्व कुल वेताल निराग्नि भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहिनीयम सर्व अपस्मारीम अस्माकं परम गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम
समस्त मुनि संगारिका संघ चतुर्विसंग श्वास लाभर समस्त शांति धारा प्रथम अभिषेक करता पुण्यार्जक परिवार शुभकर्म जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तन दृष्टि मुष्टि दोषान सर्व दुष्ट देवदान अर्भिन्नार्थ योग निकृतोषान सर्वाष्टकुल नाग जनित विस्मयानी सर्व सर्व सिंहाष्ट पदानी कृतोषान सर्व पर शत्रुकित मारण चरण विस्मरण मोहन वशीकरण आदि दोषान ओम ह्रीम अस्माभ्यम समस्त शांति धारा कर्ता परिवार समस्त उपस्थित भविजना सकल दिगंबर जैन समाजस्य चक्रम विक्रम सत्तेज बल सौर्य शांतिम पूरे पूरे सर्व जीवानंद नाम जनानंद नाम भव्यानंद नाम गोकुलानंद नाम च सर्व राजानंद नंद नाम सर्व ग्राम नट खीर करवट मंडप पत्तन दौड़ मुख संभानंद नाम संभानंद नाम यशु कम ते लोकेशु व्याधि व्यसन भर तम अभियम से आरोग्य सस्रस्तु विदीते श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो जयस्तो नित्यम आरोग्यमस्तो अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त शांति धारा कर्ता परिवार समस्त प्रथम अभिषेक कर्ता परिवार समस्त पुण्यार्जक परिवार समस्त उपस्थित भक्तजना सकल दिगंबर जैन समाज से पुष्टिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धिरस्तो दीर्घायुरस्तो कुलगोत्रम दंदानम सदा संतो श्री सद्धर्म बलायु आरोग्य श्री वृद्धिरस्तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यामरमस्यौसनाद्विद्यैनवरिन्तर्णोरोंसर्वशान्तिंकुरुकुरो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यामरमस्यौसनाद्विद्यैनवरिन्तर्णोरोंसर्वशान्तिंकुरुकुरो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यामरमस्यौसनाद्विद्यैनवरिन्तर्णोरोंसर्वशान्तिंकुरुकुरो आयुर्वल्लीं विलासं सकलसुखफलिदीर्घयत्वा स्वल्पनल्पं धीरं वीरं शरीरं नृपमुपनेत्तनुतुच्छुत्तिकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समिद्धिं प्रथिततरणेश्वरि दुःच्छैप्रतापम् कांतिम शांतिम समाधिम पितृजगताम उत्तमाम शांति धारा संपूजिका नाम यतीन्द्र सामान देशस्तेरास्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम करोतु शांतिम। सभी छत्र है, छत्र देखो यहाँ पे होगा, छत्र दो भाई। छत्र त्रयम् तव विभाति शशांकम् उच्चैस्तकम् जगद्भानुकरा प्रतापम् मुक्ताबल विकर जाल विवृद्धि सोमं प्रख्यापय त्रिजगता। ओम ह्रीं श्री भगवान के मस्तकोपरि छत्रत्र स्थापयामि चमर कुंदा बदाति सोमं विप्राजते तम वकुपल धोति ओम भीम भगवान के समक्ष अमृत जल स्थापयामि। सभी अर्घ्य लेंगे, अभिषेक करता अपनी अपनी थाली में सभी वहीं पर अर्घ्य चढ़ाएंगे। पानी चंदन सदा छत को भगवान के मस्तको परि शांति धारा विशेकांभ्यो अर्घम निर्वपाम थी मार्जन करेंगे सभी शांति धारा कर्ता नत्वा मोर निज करै रमितो ये मे सच्चै जने तव चंद्र करा वदाते शुद्धान सुखेन विमलेन कांतरम मे देहितान जन कडान परिमार्जयामि। वहां वस्त्र दो भाई, भाई पुजारी जी वगैरह यहाँ वस्त्र ला करके दो मार्जन करने के लिए। पुजारी जी वगैरह कहाँ गए, वस्त्र दो यहाँ इनको मार्जन करने के लिए। जय है भैया, हाँ दे दो वस्त्र, दे दो उन लोगों को, जय रखे सबको, दे दो उधर, दे दो दो इधर, दे दो दो इधर, दे दो।
मार्दन करो और यहाँ विनय पाठ चालू करो। अतुल और अपने बांद्री, क्या नाम अपने, नीलेश बांद्री, आज बहुत अच्छा है, संयोग के साथ, अच्छे भक्ति भाव के साथ हम आ रहे होंगे। नीलेश जी बांद्री यहाँ है, पूज्य मुनि श्री को फल समर्पित करें और आशीर्वाद ग्रहण करें अपने अतुल भैया। और दोनों सुनो, यहाँ पर शांतिनाथ भगवान को विराजमान कर लो, बाकी दो लोग जो है भगवान को तो मंदिर में विराजमान करके आ जाए। नीरज नीलेश के साथ अतुल जी हैं, प्रसिद्ध गायक हैं, वो भी आए और श्रीफल समर्पित करें आशीर्वाद। और आपके साथ कोई और तो नहीं है गायक? बंदो पांचो चालू कर दो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गाते मोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम धर्माणा जैनम जय दो शासनम। बोले अनंत परमेश जी भगवान की हो। मंगल मंगल होए जगत में सब जन मंगल हो। मंगल मंगल होए जगत में सब जन मंगल हो। मंगल मंगल हो सब जन मंगल हो। इस शरीर ने हर परम्पर पंचधरो नित ध्यान मंगल देश का मंगल मंगल हर बंदे मंगल का पर सो बंदो मंगल आत्मी मंगल गुरु जाए मंगल सरस्वती मातिका मंगल दिन मंगल मंगल करो हरो मंगल हो मंगल का सुराम है मो सागर को चली छिपे। सभी लोग सावधान हो जाओ, का अवसर कर लो जल्दी से, सभी व्यवस्थित बैठ जाओ। पूजन करने वाले सभी श्रावक श्राविका बालक बालिका है, नीचे कंधों तक पहुंच जाओ भैया, पीछे पहुंचा दो तो सब लोग ले लेंगे। चार से बड़े चौड़े पात्रों का दे दो, सभी लोगों को थाली में रख दो, एक जल का एक को थाली में, तो सबको पहुंच जाएगा। ओ जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलाओ भैया ऊपर शांति धारा करता पुण्याटक परिवार को ऊपर बैठाना है परसों। शांति धारा जिन्होंने शांति धारा की है सभी उनके लिए द्रव की थाली और यहाँ टेबल लाओ, यहाँ टेबल
दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के सभी सदस्य अध्यक्ष और उनके पूरे पदाधिकारी यहाँ आ जाएं, ताकि आप लोग पूरे पूरे नहीं चार को बुलाओ, चार को बुलाओ पूरे में। जेल ने शांति धारा की है, शांति धारा की। हाँ तो 12 लोग है महाराज जी, 12 लोग, 12 आ जाओ, 12 आ जाओ भैया, जल्दी तुरंत आ जाओ। और साथ में अगले रविवार को अरहम ग्रुप के सदस्य, अगले रविवार को जिस किसी ग्रुप को यदि पूरे ग्रुप के साथ यहाँ पर पुण्यार्जक बनना है, शांति धारा अभिषेक करना है, तो वो अपना नाम हमारे पास भेज सकते हैं। चलो भी नमस्कार, हाँ चलो जल्दी जल्दी करो। जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरि हंताड़म नमो सीताड़म नमो हरि हरम नमो जयाड़म नमो लोहे सब साहुरम ओम निर्मुद्रम बाह परिपस्वान जलम छेपे चतारी मंगलम अहंता मंगलम सीता मंगलम साधु मंगलम केवल पंडो मंगलम चतारी लोग तुम्हारा हंता लोग तुम्हारा सीता लोग तुम्हारा साधु लोग तुम्हारा केवल पंडो रखो लोग तुम्हारा अपवित्र पवित्र पंच नमस्कार चंदन तंदुल पुष्प चौर पद शर्षाद पंच परमेष्टि भेजे भगवत जन अष्टोद सहस्रनाम भेजे तत्वार शुद्ध सद्य विचे सागर नगर स्थ सर्व जिम जिन भीम जनाले भिन्न मार्गम निर्वामिति श्रीमज्जनेत भव्यंत जगत्री समाधाना आए हम पुजारी चलेंगे हम चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान के लिए स्वस्ति लिए। श्री पारस नाम सदा प्यारा
भव सागर से तराएगा मेरे अच्छे अच्छे पिया मेरे प्यारे प्यारे पिया कभी मंदिर जाया कभी पूजा कभी कभी भी कभी पूजा कभी दोनों भराया करो मेरे अच्छे अच्छे पिया मेरे प्यारे प्यारे पिया कभी मंदिर जाया करो मंगल विधानम परि विश्वांजलि छिपे अपना करेंगे मनमानी ए भैया काय मंजले सो अपना करेंगे मनमानी स्वस्ति परिमंडल परि पुष्पांजलि छिपे तो चले देवसाज गुरु पूजन करेंगे अपन स्थापना करते हुए। और आज के देखिए पूजन गौर से सुनना सभी, पूजन के कितने अंग होते हैं बहुत अच्छे सुनना, पूजन के 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं सभी बच्चों को पाठशाला के और जो भी बैठे हैं भैया माइक थोड़ा सा इसकी आवाज ठीक करो। पूजन के 5 अंग होते हैं
और पांच अंगों में सबसे पहले आवाहनम क्या होता है, पहले आवाहनम, फिर बाद में आता है स्थितिकरणम, अर्थात आह्वान का अर्थ होता है बुलाना, स्थितिकरण का अर्थ होता है बैठाना, संनिधिकरणम, संनिधिकरण का होता है निकट पास, है ना, निकट बैठना, ये होता है स्थापना। अपन अभी पूजन की क्या करने जा रहे हैं, आवाहनम, स्थापनम और संनिधिकरणम। उसके बाद अष्ट द्रव्य के माध्यम से भगवान की क्या की जाती है, पूजन। तो अष्ट अर्घ चढ़ाएंगे अपन, अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजन करेंगे, और जब पूजन हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या किया जाता है, पूजन का विसर्जन। तो पूजन के कितने अंग हो गए, कौन कौन से, आवाहनम, स्थापनम, सन्निधिकरण, पूजन। पूजन कितने द्रव्य से करते हैं अपन, आठ द्रव्य से। कौन कौन से आठ द्रव्य है, अच्छा तो आप जल चंदन आदि से अष्ट द्रव्यों से अपन पूजन करेंगे, ठीक है। पूजन किनकी की जाती है, एक गौर करना, पूजन किनकी की जाती है, लिखा है पंच परमेष्ठी की ही पूजन की जाती है। किनकी की जाती है, देव सास गुरु, इनमें पूरे पंच परमेष्ठी समाहित होते हैं। जो बीतरागी हो, पहला धो ध्यान रखना कैसा हो, और सारे समस्त आराम परिग्रह से रहित हो, ऐसे उन पंच परमेष्ठियों की पूजन करना। सबसे पहले देव, देव को, देव में दो भगवान आते हैं हमारे, दो परमेष्ठी आते हैं, कौन कौन से, एक काम करना भैया वो स्क्रीन बंद कर देना अभी, वहां से बच्चों की दिमाग वहीं जा रहा है कि हम दिख रहे हैं उस पे, वहां स्क्रीन बंद कर दो पूरा, वो आपके लिए इसलिए नहीं लगा है कि आप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, स्क्रीन बंद कर दो अभी, है ना, वो कैमरा वहां से घुमा दो इस साइड, वहां करो ही मत उनकी तरफ। एक सबसे पहला काम, देव एक होते हैं हमारे अंत परमेष्ठी, जिनको अपन पहले पंच परमेष्ठी किसको नमस्कार करते हैं, नमो अरिहंताणम, ऐसे अरहंत परमेष्ठी। दूसरे देव कौन है हमारे, सिद्ध परमेष्ठी, जो शरीरातीत है। तीसरे परमेष्ठी कौन है, ये हमारे गुरु के रूप में अपन किनकी पूजा करते हैं, देव शास्त्र और, तो गुरु के रूप में तीन परमेष्ठी होते हैं, कौन कौन से, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये हमारे गुरु के रूप में, प्रभु के रूप में हमारे अरहंत और सिद्ध हैं, इसलिए देव में हमारे अरहंत सिद्ध आ जाते हैं और गुरु में कौन आ जाते हैं, आचार्य, उपाध्याय। अब आप पूछोगे महाराज गणधर परमेष्ठी कौन में आते, तो हमारे आचार्यों की श्रेणी में ही गर्दन परमेष्ठी को लिया है। अभी केवली नहीं है, लेकिन जैसे केवली होते हैं तो केवली भगवान की किस श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन वो अभी गुरु की ही श्रेणी में ही रहते, कौन, गर्दन परमेष्ठी। ऐसे पंच परमेष्ठी की अपन पूजन करेंगे, इसलिए जो हमारे पांचों परमेष्ठी में कोई वस्त्रधारी है, कोई भी वस्त्रधारी, आगम में लिखा है वस्त्रधारी की पूजन करने का कोई विधान नहीं है, पंच परमेष्ठी की पूजन का विधान है। अब कई लोग कहते महाराज यहां पर कुछ लोग पूजा कराते हैं, देखो परंपरा और आगम परंपरा, परंपरा और आगम परंपरा। आगम तो कहता है कि पंच परमेष्ठी ही पूज्य है, अब तुम्हारी आचार्य परंपरा
और ये परंपराएं, इन परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना कि पूजन के योग्य हैं तो पंच परमेष्ठी ही पूजन के योग्य होते हैं, और कोई भी परमेष्ठी पूजन के योग्य, परमेष्ठी नहीं है तो पूजन के योग्य नहीं। वो सम्मान दृष्टि अलग बात है, देखो वो पूजन नहीं है। एक और सुन, नहीं मैं बता रहा हूं, बता देता हूं। देखिए आवेदन निवेदन करना, सुनो, कई बार लोग आकर के कहते हैं महाराज माताओं को एलक सुलक जी को श्रीफल चढ़ाते हैं, चढ़ाना नहीं है। जैसे आप शिखर जी जाते हो ना, शिखर जी जाते हो तो कोई जाते तो तुम उसके लाने भेंट के रूप में क्या क्या देते हो, श्रीफल दे देते हो कि भैया हमारी तरफ से आप ये कर लेना। वो एक है, उनको आप अगर एक मंगल प्रतीक एक शुभ द्रव्य के रूप में उनको आमंत्रण करने का तरीका, वो चढ़ाना नहीं है, वो अर्घ नहीं है, वो क्या नहीं है, आप अगर उनके साथ चढ़ा रहे हो तो वो अर्घ की कोटि में नहीं आता। अर्घ तो वो कहता जो जाके चंदन तांदुल, इस प्रकार जो चढ़ाते हैं, अगर आप ऐसा करके चढ़ाते हो तो वो सावस्त्रधारी को कभी अर्घ चढ़ाया नहीं जाता। ये विशेष रूप से अपन को अपने जिनवाणी और आगम की बात को हमें सुनना और समझना है। चलते हैं पूजन करने, तो पूजन के कितने अंग हैं, पांच। तो देव की कोटि में कितने परमेष्ठी हैं, कौन कौन से, अरहंत और गुरु की कोटि में कौन कौन से हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु। इनकी हम पूजन करने जाएंगे और पूजन करते हुए हम चलते हैं देव सास गुरु की पूजन की स्थापना करने के लिए। चलते हैं देव सास गुरु नमन कर भैया। ओम रीम श्री देव सास गुरु समूह अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर समूह पात्र अवतरोतर समुषटी आवाहन आत्र तिष्ठ ठाठाई स्थापनम आत्रमं सन्नितो भव भव वसत सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि चिपेतो। जल चढ़ाएंगे सभी। ओम रीम देव सात गुरु समय विद्यमान भी शीतंकर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर पे जन्म जरा में तुगनाशन जलम निर्पाति। ओम रीम श्री देव सात गुरु समय विद्यमान भी शीतंकर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर समो संसार ता विनाशन चंदनम निर्वपान्ति। ओम रीम श्री देव सात गुरु समय विद्यमान भी शीतंकर समो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर समो अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वपान्ति। ओम रीम श्री देव सात गुरु समय विद्यमान भी शीतंकर समो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर समो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपान्ति। ओम रीम श्री देव सात गुरु समय विद्यमान भी शीतंकर समो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर समो सदारोपनाशनाय नैवेद्यम निर्वपान्ति। ओम रीम श्री देव सात गुरु समय विद्यमान भी शीतंकर समो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर समो मोहंकार विनाशनाय दीपम निर्वपान्ति। ओम रीम श्री देव सात गुरु समय विद्यमान भी शीतंकर समो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर समो अष्ट कर्म दयनाय धूपम निर्वपान्ति। ओम रीम श्री देव सात गुरु समय अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर समो महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपान्ति। चलते हैं अर्घ चढ़ाएंगे भक्ति भाव के साथ सभी। सुधौरी पीरी अतुल भैया, अरे धौरी पीरी धुतिया पहन लई, पूजन करने के लिए आए हैं अर्घ चढ़ाने के लिए, कि धौरी पीरी धुतिया पहन लई पूजा कर के जाने हैं अर्घ प्रभु को चढ़ाने गुरु नौ अर्घ चढ़ाने हैं
पाने को कर आनो समर्पण करके विद्यमान श्री श्रीलंकर देव सतगुरु समूह विद्यमान भी शीतंकर अनंतानंद सिद्ध परमेश प्यो अनर्ग पद प्राप्ते अर्गम निर्वपामति जय माल कर चलिए जय माल कर बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े प्राप्त जयमाला पूर्ण कितम भूत भविष्य ओम रीम समझ हो गया चले अब आदिनाथ भगवान का सीधा अर्घ चढ़ाएंगे अपन आदिनाथ भगवान को लो सुच निर्मल नील नीरंगल चत चरले मन हर्षा दीप पुष्पल हर तले करना चोतल बिंग बजाजी आदिनाथ के चरण कम सुबह बने बने का ओम बने बने खाए खाए धूप बने 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 ओम भीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्र अर्ग अर्गम निर्वपामति स्वाहा मूलाय चंदा प्रभु देव के मूलाय बस विधि अर्घ्य बनाए मन खुशी अर्गम निर्वपामति शांतिनाथ भगवान बस द्रव्य सवारी तुम लिस्ट देना मेरे पास कांगे बोलो साहिल किसके पास है सभी पाठशाला वाली लिस्ट ओम रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्गम निर्वपामति पार्श्वनाथ भगवान का बोली श्री सामने पार्श्वनाथ भगवान की तो ऊंचे पर दोनों हाथों की ऊंचाई से ना चिंता बड़े पार्श्वनाथ भगवान से आगे अरे ऊंचे पर सब से नीला ऊंचे पर सब से नीला दिया पारस घर घर भला राजा जी घर घर भला राजा जी राजा जी ओ बाबा तक भला राजा जी हाँ भला राजा जी ओ बाबा तक भला राजा जी दिया पारस घर घर भला राजा जी दिया पारस घर घर भला राजा जी आया
भला विराजरी। ओम भीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। भगवान महावीर स्वामी का आदर चढ़ाएंगे। श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपान पामती। चौबीसों भगवान का अर्घ चढ़ाएंगे। उज्जल फल आटो ओम रीम चौबीस विस्वादी वीर वीरम तिप्यो नम अर्घम निर्वपाम थी। बाहुबली 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 भगवान बाहुबली 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 ओम रोम परम पूज्य आचार्य गुरुवर्ष नहीं वो बाहुबली जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपान पामति। आज द्रव की थाली नहीं लगाई लगी है बड़ी आज थाली नहीं आई आ रखी है यहाँ पर सजी हुई। चलते हैं अब पूज्य आज आचार्य भगवान की पूजन करना है और आज कहा गया है कि बुंदेलखंडी में आज आचार्य श्री की पूजन होने वाली है काय में होने वाली है लेकिन तुम लोगों ने पूरा रास्ता तो ब्लॉक कर दिया। अभी सुनो आज हमारे यहाँ पर पाठशालाएं 12 13 14 पाठशालाएं आज यहाँ पर हैं और करीब 12 13 महिला मंडलों का समूह आज यहाँ उपस्थित हुआ है आज और साथ साथ युवा मंडलों में अरहम ग्रुप और भी हमारे बहुत सारे युवा साथी बहुत सारे युवा ग्रुप आज के इस पूजन युवा समागम के इस महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। और एक बात आप लोगों को आज यहाँ कहना चाहूंगा महिला मंडल वाले के लिए विशेष रूप से आगामी 23 अगस्त इस बार का बहुत अच्छा दिन है। देखिए 23वें नंबर के भगवान और तारीख कौन सी है 23 तारीख को कौन सा दिवस है पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव और पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव पर यहां पर पार्श्वनाथ भगवान का एक भव्य महा आयोजन होने वाला है। वो विशेष रूप से कल महिला मंडलों की दोपहर में मीटिंग रखी गई है इस आयोजन को लेकर के दोपहर में आप लोगों को दोपहर में जितने भी सागर नगर के महिला मंडल हैं और ये कार्यक्रम महिला मंडलों के अभी तक तो पंचायत और चतुर्मास कमेटी के द्वारा किया जाता था लेकिन ये कार्यक्रम किसके द्वारा किया जाएगा महिला मंडलों को देखते हैं कौन कौन मंडल इसमें सहभागी बनेंगे और उसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा पूरे सागर नगर में। सागर नगर में इतना बड़ा महोत्सव
कि उस समय एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और नाम छोटी मोटी नहीं होगी, कम से कम 20-25 हजार से कम की कोई इनाम नहीं होने वाली। आप सोचोगे छोटी मोटी इनाम मिल रहे हैं, और वो प्रतियोगिता है लाड़ू सजाओ प्रतियोगिता। कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है? उसमें अनिवार्य नियम होंगे। देखिए आप लोग यहां बैठे हुए, आज ये बैठे हैं महिला मंडल, सभी लोगों को कल मीटिंग में और आप लोगों को विशेष बताऊंगा दोपहर में 3 बजे के बाद है? हाँ, और साथ साथ ये तो 23 तारीख का कार्यक्रम है, 20 तारीख को 20 अगस्त श्रावण शुक्ला चतुर्थी और दिन रविवार, बहुत अच्छा दिन है इस बार। और उस दिन वो एक व्रत रहता है, कौन सा? संकट चौथ को। इस बार रविवार का दिन है ना, तो सब लोग महिलाओं को कौन सी चौथ व्रत चलता है? एक संकट चौथ होती है। उस दिन 3 महाराजों का मुनि दीक्षा दिवस है, 10वां मुनि दीक्षा दिवस। कौन कौन था? निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी, वो एक रामटेक में आज से 10 साल, यानी उस समय 10 साल पहले, 10 अगस्त थी शायद, पता नहीं, जो भी होगी तारीख कौन सी थी, 10 अगस्त है ना, लेकिन इस बार 20 अगस्त है, तिथि से मनाया जाएगा वो कार्यक्रम, अपना एक महोत्सव, और 23 तारीख का विशेष महोत्सव। अभी से एक महामहोत्सव की एक पटपाटी आप लोगों को, रविवार का दिन तो है, महामहोत्सव है, और यहाँ लगना चाहिए उस दिन की दीक्षा दिवस, अर्थात आचार्य जी का दीक्षा दिवस से कम दीक्षा दिवस नहीं मनना चाहिए अपना। हम उस दिन यहाँ दीक्षा दिवस भी मनाएंगे, आप पार्श्वनाथ निर्माण महोत्सव का। और एक और है, लाड़ू सजाओ प्रतियोगिता में 3 नियम अनिवार्य होंगे। सबसे पहले, कोई भी हिंसक सामग्री, प्लास्टिक की सामग्री और किसी प्रकार का कागज आदि का प्रयोग लाड़ू में नहीं किया जाएगा, थर्माकोल भी नहीं चलेगा। साथ साथ कम से कम प्रतियोगिता में 5 किलो से कम का लाड़ू मान्य ही नहीं होगा। समझ में आई? और जो भी प्रतियोगिता में भाग लेगा, ये नियम है, बनाने वाले सोच ले ना, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बनाओ कटोरा आपका जो इनाम मिल जाएगी, इनाम ऐसी ऐसी वैसी मिलने वाली नहीं है। कम से कम 5 किलो कम का लाड़ू मान्य नहीं होगा। उसमें कोई भी ऐसे प्रतिबिंब, पार्श्वनाथ भगवान का बिंब आदि नहीं बनाना। कई जो कई लोग डिजाइन कर देते हैं, पार्श्वनाथ भगवान का बिंब आदि बना देते हैं, प्लास्टिक की प्रतिमा रख देते हैं, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी। और कल पाठशाला महिला मंडलों की मीटिंग में और उनको विशेष रूप से, अब इनाम क्या रहेगी आपको बाद में पता चलेंगे, लेकिन इनाम बहुत बड़ी होगी, छोटी मोटी नहीं होगी। महाराज जी 5 किलो का लाड़ू बोला आपने, अगर कोई सोने का लाड़ू ले आए तो आधा किलो में चल जाए। नहीं, किसी के मन हो आधा किलो लाड़ू सोने का यदि चढ़ाना हो तो हम उसकी पूरी राशि भागवत तीर्थ के मंदिर निर्माण में दे देंगे। जिनके भाव हो तो पूछ रहे, याद करा रहे। एक एक व्यक्ति कहने लगा, महाराज जी हमने सोना छोड़ दिया, तो हमने की रात में नहीं नहीं, हम कहने थे गली में वो सोना छोड़ दो। अरे जो भाग्यशाली हो वो सोना छोड़े, मंदिर के निर्माण में छोड़े। चले अब चलते हैं अपन आचार्य जी की पूजन करने। आज के हमारे सभी पुण्यार्जक जो है वो तो अभी करेंगे। सबसे पहले हमारे जितनी भी ब्रह्मचारिणी बहने हैं, त्यागी व्रती हैं, भाईगण हैं, वो आकर के पूज्य आचार्य भगवान की पूजन की स्थापना करेंगे। और सभी जितने भी हैं हमारे साधिका आश्रम की सभी श्राविकाएं और हमारी बहनें, जितने भी त्यागी व्रती हैं, वो पूज्य आचार्य भगवान की पूजन की स्थापना करेंगे और करके आज के इस महोत्सव को आगे बढ़ाएंगे। फिर मंडल वालों को हम आगे बुला रहे हैं। चलो भाई आचार्य जी की पूजन। जी बोलो, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की, जिनके पास दोनों हाथ हैं वो दोनों हाथ उठाकर जीवंत जयकारा लगाएंगे।
जबलो सुमरी पार्श नाद भगवान की अहिंसा मई विश्व धर्म की आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव अचित सागर जी महाराज की समस्त गुरु संघ की हेलो हेलो आज में के पहले प्रवचन के हाँ बोल चलो तो प्रवचन के हाँ बोल दो बोल जल्दी बोलो फटाफट करो जल्दी क्षेत्र नारायण के लिए बोल दो हाँ हाँ चलो क्षेत्र नारायण के लिए हमारे जितने भी श्रावक आज के कन्यार्जक सभी हैं जल्दी खड़े हो जाओ सभी हमारे शांति धारा अभिषेक कर्ता परिवार और अरहन ग्रुप परिवार सभी बा सभी आकर के आचार्य जी के चित्र अनावरण आदि का कार्य दीपलोजन कर्जन का कार्य करेंगे उधर इधर स्थापना का कार्य सीधा संपन्न होगा चालू करो भैया जब तक तुम मेरा भूलूंगा मेरा भूलूंगा मोरे गुरुवर चलेंगे बुंदेलखंडी पूजन के साथ में मोरे गुरुवर विद्या सागर हम सब पूजत हैं तुम हो हम सोई पूजन हो आए और पाठ हेरत है ओम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी मुनीन्द्राय आत्र अवतर अवतरो संवत्सरीति आवाहनम जय हो जय हो जय हो ओम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी मुनीन्द्राय आत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठा स्थापनम जय हो जय हो जय हो जय हो ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी मुनीन्द्राय आत्रिमं सन्नितो भव भव वचट सन्निधि करणम जय हो जय हो परिपुष्पांजलि चपेत चले आचार्य श्री के लिए पूजन में आज जल चढ़ाएंगे और सबसे पहले आज सबसे दूर से पाठशाला जो आई है वो है मकरोनिया दीनदयाल नगर से सभी दीनदयाल नगर के पाठशाला के पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले बच्चे यहाँ लाइन में आ जाओ देखो कोई जहाँ बैठा वहीं बैठेगा कोई उनकी दूसरी जगह पर उनको नहीं करेगा पाठशाला वाले पार्श्वनाथ पाठशाला इतवारी वार्ड के सभी बच्चे दीनदयाल पाठशाला के बच्चे युग शिरोमणि पाठशाला उद्यासीन आश्रम ये हो गए और एक पाठशाला है श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पाठशाला बालक कॉम्प्लेक्स आज यहाँ के बच्चे और दूसरी सन्मति दिगंबर जैन पाठशाला इसके पाठशाला के बच्चे एक साथ चार पाठशालाओं के बच्चे आकर के जल समर्पित करेंगे Thank you.
कैसे धरे रे मन धीरा रे ओ तीनों ओ चारों भैया ने कर गए आओ हो रे चारे भैया ने कर गए नर्रा नर्रा के हैं हम मर गए अरे बाप मताई तो जनों ने फेर फेर जन्मों मोहो बाला पनो आई जवानी आओ बोला को फिर अमर बात सुने दे बहु हमारी जीव मर मोर बुढ़ा भो मिटा दियो मोरो दुख साई देखो सभी पाठशाला वाले जिनको अभी बुलाया है उनके शिक्षक गणों को एक आज आयोजन समिति की ओर से रविवार सभी पाठशालाओं को गिफ्ट के रूप में एक एक पैकेट दिया जा रहा है जो आपको अपनी पाठशाला में वहां के शिक्षक गण आपको देंगे। तो सभी के लिए दीनदयाल पाठशाला वालों को पार्श्वनाथ पाठशाला इतवारी वालों को दासीन आश्रम युग शिरोमणि पाठशाला वालों को और पार्श्वनाथ पाठशाला कॉम्प्लेक्स और सन्मति पाठशाला चक्राघाट ये सभी पाठशाला वाले अर्घ चढ़ा रहे हैं और जिनको उनके शिक्षक गण उनको ले लेना है ना। छोटा वाले पैसे 20 हैं 10 हैं जितने बच्चे आए उनके हिसाब से पैकेट बना के दिए गए। ओम रेम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निर्वपान्ति। सभी बच्चे अच्छे भक्ति भाव के साथ और सुनो ये बताओ पिछली बार हमने सभी बच्चों को एक चीज बताई थी चॉकलेट किसने खाई किसने अच्छी लगी चॉकलेट किस किसने देखी थी कि थी कल पिछले रविवार को ऐसे कौन से बच्चे थे जो नहीं आए थे। आज आपको फिर से दिखाऊं डेरी मिल्क कैसे बनती है। नहीं देखना। अरे यार चले एक काम करते हैं आज तुम्हें दिखाते हैं कि नूडल्स कैसे बनते हैं है ना। आप लोगों को आज बहुत अच्छे से देखना भैया उसमें देखना 10वें नंबर की एक वीडियो होगी 10वें नंबर 10 नूडल्स 10 नंबर की
वगैरह है, आजकल बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सस्ता और सुंदर बनाने के लिए, स्वाद जुटाने के लिए, सारा का सारा जहां कहीं भी है जो बच्चों के मुंह लग गई, आप घर में अच्छे से भैया बना दो, सिमैया बना दो, उसको बुला करके खिला लो तो आपको कम से कम सुअर के मांस खाने से तो बच जाओगे। कौन बच्चा खाएगा वहां से नूडल्स, क्यों चौमीन, अभी तो बहुत सारी चीजें दिखाएंगे आपको। बड़े बच्चे कितने खाते हैं? अरे भाइयो जैन हो के जैनेतर, तुम मांस खाने वाले हो के मांस का त्याग करने वाले हो? अगर आप शाकाहारी हो तो कभी नूडल्स को क्या नहीं करना चाहिए, छूना नहीं नहीं चाहिए। और अब चलते हैं अगले चरण में, बताते हैं आपको चिंगम कैसे बनती है। सुनो अगले चरण में अभी आएंगे, अभी अगली पाठशाला वाले वो आ रहे हैं, आचार्य विद्यासागर संस्कारोदय पाठशाला शास्त्री वार्ड और मृदुमती संस्कारोदय पाठशाला पगारा वाले 45 बच्चे आए हैं, और साथ में विद्यासागर पाठशाला रामपुरा, ये सभी तीन पाठशालाओं के बच्चे एक साथ आकर के जल चंदन चढ़ाएंगे। इसके बाद फिर नई चीज दिखाएंगे, फिर आगे और आपको दिखाया जाएगा। बोलो जब तक जवाब आए। मुन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, मुन्ना मुन्ना राही हूँ धर्म का सिपाही हूँ, मुन्ना मुन्ना राही हूँ धर्म का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय 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 जय। मोरे भीतर आग पर रही, अगर अच्छा लगे तो कर रहे के हाओ जरूर के ने हाओ, मोरे भीतर आगी बढ़ रही हम दिन रात परत हो की लपटों में चूड़ो बनने पाओ में, मोए कब अपनों ने मारो साहबी भैया, मोए कब अपनों ने मारो कब पराए करत दुखी, ऐसी जा भाव आग पुछा दो देव सबूरी करो सके, जल्दी आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट आओ। ओम रोम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विधि विद्या सागर जी मनीन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वमति। आवाज अगले अक्षर चढ़ाए उसके पहले आज बच्चों को देखना है कि देखिए टॉफी भी आप लोग चिंगम, देखियो चिंगम नंबर होगा भैया देखना 13 नंबर का है ना, 13वें नंबर का चिंगम, चिंगम मेकिंग बच्चे process. बच्चे लोग छोटा सा है बहुत बहुत जल्दी अच्छे मेकिंग प्रोसेस दोस्तों के लिए सबसे पहले गम को एक मिक्सर में डाला जाता है और फिर इसके ऊपर कुछ आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर और सोडियम बाइकार्बोनेट MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट इन सब चीजों को डाला जाता है और फिर ये मशीन इसे मिक्स करना शुरू कर देती है और इसके ऊपर चीनी या शक्कर की चाशनी डाली जाती है ताकि गम सॉफ्ट और मीठा बन सके और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दूसरी मशीन में डालकर एक चिंगम का आकार दे दिया जाता है और फिर इसके बाद इसको पैक कर दिया जाता है। चिंगम मेकिंग प्रोसेस। बहुत
देखो इसमें ओएसडी सब में ज्यादातर सुअर के मांस का सबसे सस्ता और सस्ते सुगम आजकल बच्चों को उनके मुंह के स्वाद बनाने के लिए उनके चस्का लगाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े स्लॉटर हाउस जो चल रहे हैं इन कंपनियों के मात्र आप ये मत सोच लेना कि स्लॉटर हाउस मात्र मांस के लिए और चमड़े के लिए है। इस स्लॉटर हाउस से आपकी हड्डियां भी उसमें जा रही हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां उनके जो चर्बी से तेल निकाला जा रहा है आजकल सबसे ज्यादा उसका ही उपयोग हो रहा है। अर्थात अगर आप इन चीजों का प्रयोग करते हैं घर का रसगुल्ला ही शुद्ध है। आजकल बाजार के रसगुल्ले भी ठीक नहीं है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों ने रसगुल्ले पैकिंग करके बेचना चालू कर दिया है, मालूम है आपको। और आप जो ऑनलाइन बुलाते हो और ऑनलाइन बुला करके उसमें भी सुअर की चर्बी का योग बनाया है। सबसे देखना देखो एक कंपनी रसगुल्ला बनाती है, नंबर 17 नंबर का देखना, एक कंपनी रसगुल्ला बनाती है उसमें भी इस चीज का प्रयोग किया जा रहा है। इस चीज का रसगुल्ला हाँ हो गया पूरा हो गया। अच्छा तो देखिए आपको अब सोचना बाजार की पैकिंग वाले रसगुल्ले भी ठीक, अब कौन बचा क्या है विक महाराज कह रहे बचो का है महाराज खा भी लायक माओ भैया सबसे अच्छा घर बचो है ना। अगर आप अपना घर अच्छा रखना चाहते हो बाजार के भरोसे बैठने वाला कभी भी उसका मन पवित्र हो ही नहीं सकता। इसलिए अब चलें अगली पाठशाला है बाहुबली कॉलोनी विद्यासागर पाठशाला बढ़नी कॉलोनी दिगंबर जैन चंद्रप्रय पाठशाला और सनीचरी की पाठशाला श्री पार्थना दिगंबर जैन पाठशाला सनीचरी और भाग्योदय की पाठशाला और वर्धमान कॉलोनी की पाठशाला सभी पाठशालाएं एक साथ आएंगी क्योंकि आगे अब आंगलान मंडल आएगा मंडलों का कार्य होगा। ये चारों में सभी पाठशालाएं एक साथ करेंगे भाग्योदय की भी सभी को मिलेगी आज आराम से है ना। वहीं से वहीं खड़े हो जाओ सबको हाथ लगा लो ऐसे सुलाल रंग देखो हरीरो रंग देखो सुरंग भावे मोए केशरिया ओ पारस देवा स्थानिया रंग
चमक धमक की दुनिया में अपने खाई मोए बना लो खाए दुनिया में हो गया। ओम रोम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, क्या चढ़ा रहे हो? अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतान निर्वपाम थी। चले ये सभी पाठशाला वाले बच्चे, अभी कौन पाठशाला रह गई? कोई? सभी हो गई? हो गई हो गई हो गई। बढ़नी कॉलोनी वालों को बुला दिया, कोई पाठशाला बाकी तो नहीं रह गई भाई, जो नाम नहीं आ पाया हो या हम नहीं बोल पाए हो। अब आते हैं, आज महिला मंडलों की बारी है, आज महिला मंडलों की बारी है, क्योंकि आज पार्श्वनाथ महामहोत्सव की आगामी तैयारी उनको करना है। तो आज की पूजन से मंगलाचरण करेंगे, और मंगलाचरण में सबसे पहले दिगंबर जैन बरनी कॉलोनी चंद्रप्र जनाला महिला समिति, क्षमा सागर महिला मंडल सिंगई जैन मंदिर, बाहुबली कॉलोनी विद्या सिंधु मंडल, चंदनवाला चंदन चंदना महामंडल बरनी कॉलोनी, और तिसला महिला मंडल बाहुबली कॉलोनी, ये पांच मंडल एक साथ मिलकर के आचार्य श्री की पूजन में पुष्प समर्पित करेंगे। पाएगा को बोल दिया था, उन आए नहीं, वो पाएगा बोला था मैंने। अरे नाचे जो मन को मोरे रे, नाचे जो मन पोरे 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 रे, अरे कहने न लगे क्या बोले, ओ अरे कहने न लगे मोसे पप्पा, हे भैया मम्मा, सो कहने न लगे मोसे पप्पा, सबको कहने भैया हाथ खाते, संजय भैया मनवारी जी सबको कहने हाथ खाते, हाओ हाओ दो बार, अरे कहने लगे मोसे बाबा, कहने लगे मोसे बाबा,
कहने लगे मोसे बाबा कहने लगे मोसे बाबा ए बेटा सुखराम देव तो तुमसे हारो एक लक्षी पेटवावे काम देव तो तुमसे हारो एक लक्षी पेटवावे सारो जग तो मोरे वश में मर जाओ हाथ जोड़ के पाँव परे हम खेल बता दो लड़बे भी हाथ जोड़ के पाँव परे हम खेल बता दो लड़बे की एक फौजी से मार फका ब्रह्मचर्य व्रत धरवे की ओम रोम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज कांबाण विद्वंसनाय पुष्पम निर्वपामति। और सुनो सभी मंडल वाले और कमंडल वाले जितने भी यहाँ पर यानी हमारे युवा मंडल जो कमंडल लेके चलने वाले हैं है ना उन सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आने वाला समय पर्युषण पर्वराज महिला मंडलों सुन लो ना तुम लोगों को एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिलने वाला है। सागर नगर में आने वाले कौन 18-19 सितंबर से लेकर के और 28 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन होगा। अब महिला मंडलों को क्यों कहा हमने, इसलिए कहा कि तुम्हारे भैया श्रीमान जी और हो सकता ससुर बाबा कोई भी हो कहियो 10 दिन के लाने तुम हमें छोड़ दो या हम तुम्हें छोड़ते हैं, तुम 10 दिन के लिए साधना करना है और पूरा का पूरा ये अब सागर में आप लोगों को इस शिविर का एक बहुत अच्छा आयोजन 18-19 सितंबर से अपना पर्युषण पर्वराज होगा और इस पर्युषण में विशेष रूप से यहाँ पर सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर कौन सा शिविर होने वाला है, सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन यहाँ पर बहुत ध्यान तप आराधना महोत्सव के साथ होगा। इसलिए अपने बच्चों को दूसरा एक और यहाँ की पंचायत कमेटी और पूरी समिति वालों से अभी से ज्ञापन बनाए और ज्ञापन बना करके स्कूल वालों के संचालन बलों वालों को एक आवेदन और उनको निवेदन कर दें कि आगामी इन दिनों में हमारे बच्चों की परीक्षा ना रखी जाए क्योंकि मात्र जैन धर्म का नहीं है ये पर्व, इस दौरान गणेश चतुर्थी है, हमारे हिंदुओं के उनके बहुत सारे महोत्सव होते हैं। इसलिए ये हम सब लोगों को और सभी संगठनों को इस बारे में सूचना देना है और देकर के अभी से उन सबको सूचित करते हुए उनसे कहें कि 19 तारीख या 18 तारीख से 18 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में बच्चों की परीक्षा का आयोजन ना रखा जाए। वो हमारे तो बिलेरा साहब कहते हैं हमारे तो हम 10 दिन की छुट्टी कर देते हैं पूरी की पूरी बच्चों को। 10 लक्षण उनके डीपीएस वालों ने तो पहले घोषित कर दी कि 10 लक्षण में 10 दिन के लिए सारे बच्चों को पूरा का पूरा अवसर है, तो परीक्षा का तो सवाल ही नहीं है। और हमारे ऐसे ही बहुत बड़े बड़े स्कूल संचालक है, पारस विद्या मंदिर वाले हैं और भी 3-4 हमारे जैन समुदाय भाइयों के स्कूल चलते हैं,
उन सबको PTIRT सागर पारस विद्या विहार जैन हाई स्कूल, ये तीन चार बड़ी संस्थाएं हैं, अगर उनके और सभी आवेदन ज्ञापन तो अपन को कलेक्टर और उनके पास पहुंचाना ही है सब। चलें अब अगले मंडल आ रहे हैं, अतमीर महिला मंडल शास्त्रीबाद, विद्यांशी बहु मंडल पगारा, बासपूत जिनाला मैत्री मंडल और आदर्श बहुमंडल बाहुबली कॉलोनी और संस्कृति बहुमंडल बाहुबली कॉलोनी, बहुत मंडल है बाहुबली कॉलोनी भैया, ये पांच। किसान सुहाने रे अरे अरे साहन सुहाने अरे काकाले सुहाने सुहाने अरे काकाले हो विद्यारूपी पूजा तेरी ढंग से सब गाए अरे खुशियां मना रहे अरे खुशियां मना रहे क्या बोले भैया कि हम तो भूखे रह पावे ना भैया छीकली बारे हम तो भूखे नहीं रह पावे कड़ुआ पेड़ा सब जाने लोचई खड़ूला बीच और या ना तो बापो सब जाने हम तो भूखे नहीं रह पावे कड़ुआ पेड़ा सब जाने लोचई खड़ूला बीच और या ना तो सब जाने इनसे अब तो बहुत दुखी भैते हो मुक्ति इनसे मोखो मोए पिला दो आत्म अमृत ने बज से पूजत तो ओम रोम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी मुनिंद्राय सदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम जम पामती। आज आज एक बात और आप लोगों को कहना चाहूंगा, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, बहुत अच्छे से शिक्षित कराएं, महिला मंडलों और सभी बालिकाएं जैसे यहां जो बैठी हैं, विशेष रूप से आज आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो है कि वर्तमान में आज देश में ऐसा एक माहौल तैयार किया जा रहा है, ऐसा इस प्रकार का माया जाल फैलाया जा रहा है जो बड़े बड़े घरों की अच्छे संपन्न घरों के बच्चे हैं बालिकाएं हैं उनको लव जिहाद के नाम से उनको फिसलाया जाता है, बहुत तरह तरह से प्रलोभन दिया जाता है और नाना प्रकार के ऐसा करके फिर उनकी दशा क्या होती है। आपको एक छोटा सा वीडियो है, ये चार नंबर का वीडियो चलाओ, एक संपन्न सैनिक परिवार, अच्छा बड़ा आर्मी का परिवार है और उस परिवार की बेटी कैसे एक जिहादियों के चक्कर में फंस जाती है। समाज में इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि हम अपनी बेटियों को बहुत अच्छी फैसिलिटियां देते हैं, बहुत सुविधा देते हैं, पैसे की हर तरह से संपन्नता दे देते हैं और कभी कभार इस प्रकार की दुर्दशाएं, इस प्रकार की
माया जाल आदि फैला करके अपने बच्चों को कैसे किस रूप में कैसे कैसे उनको विसंगतियां आज चारों तरफ कोई भरोसा नहीं, इसलिए बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाने का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन पढ़ाने के पहले उनको ये बोलने कि किन के बीच में रहकर के आपका बच्चा पढ़ेगा, किन के साथ रहकर के बच्चा पढ़ेगा। आज अभी जब इस प्रकार का सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि बताओ जिस कुल में जहां पर थोड़ी सी भी हिंसा मंजूर नहीं होती, आज हमारे बच्चे उन हिंसक लोगों की संगति में पहुंच जाते हैं। इसलिए आज उनके लिए यही कहना चाहूंगा। अब चलते हैं अगले महिला मंडल, भाग्योदय तीर्थ महिला मंडल, मरुदेवी महिला मंडल पगारा, और बाहुबली कॉलोनी का एक और महिला मंडल है अभी, और पार्श्वनाथ महिला मंडल बालक कॉम्प्लेक्स है ना, और एक और स्वाध्याय, स्वाध्याय मंडल कहाँ का है, जो कहाँ का स्वाध्याय मंडल आया है, वो स्वाध्याय मंडल वो भी है, ये सभी आकर के चलो भाई अतुल मात्री रामपुरा, अच्छा रामपुरा का स्वाध्याय मंडल। दुनिया को जो हथियारो तो मिटा लेते हैं हर को, मोह बुरो खजरारो कारो मिटा सके ने हर को, ज्ञान जो से करिया को, ज्ञान जो से करिया को तुमने परिया मो कर दो, ज्ञान ज्योत से करिया को तुमने करिया मो कर दो, ऊसे ज्योत जगा दो मोरी दिया जो सुसरत है धरसा, ओम रोम परोजी आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज, क्या चढ़ा रहे हो दीप, मोहनकार विनाशनाय दीपम निर्वपामति। अब हमारे जितने भी आज जितने भी युवा जिन्होंने आज धोती दुपट्टा में जितने बैठे हैं सब वो आएंगे, बिना धोती दुपट्टा वाला कोई नहीं आएगा, जितने भी धोती दुपट्टा में सभी युवा साथी हैं वे आकर के आज धूप चढ़ाएंगे आचार्य जी की पूजन में। अरे खबर मोरी ले रहियो, देखो हमने पहले कह के रखा है महिला मंडल वालों को जल्दी खबर, आप लोगों को भेजना चाहिए ना पर्चियां, अब इतने बाद बाद में अब मंडा मंडलों वालों का समय गया। अरे खबर मोरी ले रहियो, हर जय बड़े बाबा हो जय बड़े बाबा, जय बड़े बाबा हो जय बड़े बाबा, खबर खबर मोरी ले रहियो, मंदिर बैठो बैठे बाबा तो बने जाओ, मंदिर बैठो बैठे बाबा तो बने जाओ, सब से होती अटरिया नर कोरी नटरिया, मंदिर बैठो बैठे बाबा तो बने जाओ, सब से होती पहाड़िया पे नर कोरी नटरिया पे, अरे तारण
कोकुबई होरी हमने बारी जे कोकुबई होरी हमने बारी मोरी काया रात भई फसरा की छाती बारी जे कर्म बरे ने रात भई तुम तो ओम ओम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामति। अब जितने भी हमारे सिविल डिवेश में पुरुष वर्ग हैं वो आकर के आचार्य श्री के श्री चरणों में मोक्ष फल प्राप्त करने की भावना तो बताओ उल्टा छोड़ धोती दुपट्टा छोड़ छाड़ के आ गए। आ जाओ सभी पुरुष वर्ग। हाँ जल्दी करो जल्दी भाई भाई भाई। मोरे मन में पसी मोरे मन में बसी रे मोरे मन में बसी दो छोटे बाबा की सुंदरिया तुम तो कोनो फल नहीं खाओ पीऊं कोनो रस नहीं आ फिर भी देखो कैसे चमक तुम जैसो कोनो नहीं आ हम फल खाते ऊबे नैया फिर भी जी जाने सब फल को से इसने को चढ़ाए हम तुम चरणों में फल को हम तो वही भोजन को आए अरे हम तो वही भोजन को आए सारा गुरु छै हम को मोरे गुरुवर विद्या। सबसे पहले आज यहाँ अभी मुकेश भाई और वो कह रहे थे महाराज बताओ अपन ने भगवान रखे भगवान की वेदी भी रखवाना चाहिए ना। वो बात कहने वाला है वो मुकेश भाई तुम कहो जल्दी दो मिनट में फिर हमारे के चढ़वाए। देखो भैया अजय ये बताओ किन किन लोगों के द्वारा सहस फुट चिनालय में पहले 1,51,000 की और बाद में 2,51,000 की प्रतिमा जी विराजमान किन किन लोगों ने कराई है कृपया हाथ उठाओ जिन जिन के हाथ हो ऊपर उठा लो बस इतने लोग हैं। और देखो साहस कूट एक बनना है और मालूम कौन बनवा रहा वो उपकार एजेंसी परिवार के द्वारा पूरा साहस कूट बनाया जा रहा है और प्रतिमा जी आपके परिवार की हैं। अब प्रतिमा जी कैसे विराजमान कराएंगे बेदी मंदिर वालों की हो छत्र चवर भामंडल मंदिर वालों के हो और हम कहें कि भैया मूर्ति हमारी है
ऐसा नहीं हो सकता। वेदी छत्र चमर भामंडल मात्र 1,62,000 रुपए की राशि में प्रतिमा जी के साथ आपके चार चीजें और छत्र चमर भामंडल। जिन लोगों की प्रतिमाएं हैं वो चाहें तो मंडला से आई इनकी भी एक प्रतिमा जी है, रानू जैन की, गगन जैन की, ठीक है ना। इनका ज्वेलर्स का बड़ा काम है और किस्मत तो देखो सागर में मोड़ा को ब्याह कर लो, ठीक है। अगर वो चाहे तो शुरुआत करेंगे 1,62,000, कोई बड़ा नाम नहीं है, बोलो। अरे अभी कुछ नहीं जाने आए, ठीक है। अरे मूर्ति पहले से है, अब मंडला से आए में दिक्कत, ठीक है। और जिनके भाव हो वो अपना नाम हमें लिखा सकते हैं, मात्र 1,62,000। और जब आपको राशि देना हो, हमें आज नहीं चाहिए, साल भर के भीतर भी आप राशि दे देंगे। जिनकी प्रतिमा जी हो उन्हीं के छत्र चमर भामंडल उपेदी होना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। ओम रोम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ते फलम निर्वपामति। अब देखिए जो महिलाएं मंडलों में नहीं है, कौन में नहीं है, किसी मंडल में नहीं है, पर अपने मंडल में हमें है, ऐसी सास और बहू सभी एक साथ आएंगी। वे महिलाएं हैं जो मंडलों में आ चुकी वे नहीं आएंगी, जो अब तक नहीं आई है ऐसी महिलाएं हैं वो आकर के आचार्य श्री का अर्घ समर्पित करेंगे। ऊसई अर्घ चढ़ाते मोरे कोई हाथ चले, ऊसई तीरथ करके मोरे कोई पाँच ले, ऊसई तीरथ करके मोरे पाँच ले। एक मंडल रह गया था पिछला महिला मंडल वर्धमान कॉलोनी का, वो भी इसी के साथ आ जाएंगे और साथ में चढ़ाएंगे। हाँ खबर मोरी एक दीनदयाल कॉलोनी का महिला मंडल रह गया है, हैं यहाँ पर बैठे हैं क्या? आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आओ फटाफट आओ। दीनदयाल महिला मंडल, दीनदयाल कॉलोनी का महिला मंडल भी है। तुम लोगों से कहा था कि जल्दी पर्ची भेजा, भेजा नहीं तो फिर उन्हें जल्दी आगे आओ। और वर्धमान कॉलोनी हो गई तो नाम क्यों नहीं भेजा गोपालगंज वालों का? सबको भेजना था ना, तब से कह रहे हैं कि भेज दो भेज दो। गोपालगंज का महिला मंडल भी है, सभी आचार्य श्री की पूजन में अर्घ समर्पित करेंगे। ओम रोम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपाम थी। मैं डॉक्टर सुभाष जैन, श्रीमती सुनीता जैन, हनी जैन, नैंद्रा परिवार विजयनगर मकरोनिया को आमंत्रित करता हूँ श्रीफल समर्पित करें। इन्होंने 21 कलश की एक प्रतिमा जी 1.5 वर्ष पूर्व बोली थी, आज 2,00,000 रुपए की राशि यहाँ इन्होंने जमा कराई है। अब तक 8,00,000 रुपए की राशि इनके द्वारा यहाँ जमा कराई जा चुकी है। और जिनके भाव, एक हमारे पास छत्र चमर भामंडल के लिए नाम आया है, वो भी श्रीफल समर्पित करने के लिए आ सकते हैं। सुधीर जैन, राजेंद्र जैन, केवलारी वाले विजय टाकी चौराहा, वो आए और छत्र चमर भामंडल। चले जितनी भी बालिकाएं हैं जो पाड़ा में नहीं पढ़ रही हैं और वो यहाँ बैठी हुई हैं, सभी बालिकाएं जितनी में पाठशाला के बच्चे छोड़ करके सभी बालिकाएं आकर के जयमाल का अर्घ समर्पित करेंगी। सभी बालिकाएं आकर के
सुविद्या गुरखों के सब बुंदे के नाथ ओ विद्या गुरसों को ने जग में तू जो नाओ सवई जने पूजत इन्हें और परत है पाओ। अरे मोरे अर मल्ला पाजू पे तो मोड़ा सीमत मचा के नल्ला ते से आप तो छोड़ के गुर पर मरो करो नल्ला जिसका बड़ा हो उसे कहते हैं काय मोदी जी जी बहुत बहुत बड़ेगा स्वामी तुम तो तुम करो नगदी सोना तो ने पाप करो तुमने दुकान जग जाहर मुस्कान तुम्हारी तुम सी गला कहो नया जग जाहर मुस्कान तुम्हारी तुम सी गला कहो नैया ने को हामी भरते नाई गवर सैया सब उपकार करत हो फिर भी कछु खेत नैया ए इसने तो सबरे कह रहे तुम जे सो को नैया तो विद्या गुरखों के सब बुंदेली के नाथ सो बुंदेली गीत का छुपा रहे मां रे तेरे करे पूजा करे करे भगत दिन रे बस तई कृपा करो मोए वे सुख छे श्री विद्या सागर की मुनिंद्राय अनर्ग पद प्राप्त जय माला पुनर्गमन में पाप की यहाँ वो द्वार के चढ़ना है सभी जितने भी पुण्यादक शांति धारा और प्रथम अभिषेक कर्ता परिवार है सभी आकर के अर्घ समर्पित करेंगे एक छत्र चवन भामंडल के लिए सुषमा पप्पी दीदी पंडा इन्होंने 1,62,000 रुपए की राशि दी है दो नाम हो गए तीन और हो जाए तो पांच कांत पंच परमेश्वरी भगवान का मैं चाहता हूँ तीन नाम और दे दें अपने अपने चलो श्रीफल चढ़ाने के लिए आप यहाँ आ जाए पप्पी दीदी अतुल जल्दी बोलो तेरागे नगर ओम हरि बादल मूर्ति शिव सम मूर्ति मुनि श्री अजित ठाकुर जी महाराज अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्य हमने पाए ओम ह्रीम परम पूज पूर्वक श्री निर्लोक सागर निर्दोष सागर जी निरुपम सागर जी महाराज अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्य हमने पाए भैया सुनो आज के तो आयोजन घटे को पता है आपको
दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अरहम सागर। और अगले 6 तारीख यानी रविवार 6 अगस्त को हमारे कार्यक्रम के पुण्यार्जक का नाम हमारे पास आ गया है। उसके बाद के लिए 13 है 20 है 27 है, जिनके भाव बने वो आ जाए। और अगले 6 तारीख के लाने 6 अगस्त के लाने नाम आवे सम्मान में तालियां बजेंगे। सब चले बाहुबली कॉलोनी सागर, तालियां बजाओ। अब मैं आमंत्रण करता हूं बीरू अमित जैन गेहूं, आप आए अपने परिवार सहित और यहां पर उनका एक कलश स्थापित होना है, जल्दी आ जाएं। सभी बच्चे बाहर के चढ़ाएंगे जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल्लाए सर पूज भव पूजो भव बड़ी भक्ति पढ़ाए ओम रीम श्री महार्गम निर्वपामती सदोष शांता वीतात्म शांति शांतिर विदाता शरणम गता नाम भूयाद भवत केत भयो प्रशांते शांतिर जनो में भगवान शरण्या इति दिव्य परिपुष्पांजलि छिपेतो बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय तुम प्रसाद से परम पुरुष हो सब पूर्ण होय पूजन बिन जानू नहीं नहीं जानू आवान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। लगा दिए हाथ लगा दिए और हम गुरु के सम्मान में तालियां इसलिए बजाएं कि पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए इनके द्वारा लगातार सतत कार्य किया जाता है। सभी बच्चे पीछे उठ करके यहाँ से और वहां जाकर के वहां पहुंच जाएंगे आराम से अनुशासन से, कोई भी खुले इधर उधर नहीं जाएगा, कुएं हुए के पास घूमेगा नहीं। सभी बच्चों को जाना है, अभी बड़ों को नहीं जाना, बड़े सब यहीं बैठेंगे। अब जितने लोग यहाँ पर विराजमान है उन सभी की ओर से पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज के चरणों में पहुंचते हैं। सीधे पूज्य मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज के चरणों में पहुंचते हैं और उनसे आशीर्वचनों के लिए हम सभी निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिनके चतुर्मास कलश रह गए हैं स्थापना के लिए वो पीछे मंदिर जी में पहुंच जाएंगे। सभी लोग बच्चे लोग हाथ तो धीरे धीरे आराम से, बड़े लोगों को तो बैठना है अभी, मां 10-15 मिनट की बात है हमारे बीच में और उसके बाद पूर्व विधायक श्री सुनील जैन साहब यहां पर श्रीफल समर्पित करने के लिए, श्रीफल ले लो भैया, सुनील भैया श्रीफल। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, एक धन्यात्मा होते हैं, एक धनात्मा होते हैं और एक धर्मात्मा होते हैं। आज आपको 3 प्रकार की आत्माओं के बारे में कह रहा हूं बस संक्षिप्त में। कौन कौन सी आत्माएं? सबसे पहले धनात्मा, धन्यात्मा और धर्मात्मा। यहां बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है
जिसके पास थोड़ा बहुत धन संपत्ति ना हो, एक हमें छोड़ के, एक हम लोगों को छोड़ करके, कि यहां कोई धन संपत्ति नहीं है, यहां हर व्यक्ति सबके अपने अपना कोई ना अकाउंट है, कोई ना कोई सबके पास धन है, इसलिए धन आत्मा तो है। अब दूसरा धन्यात्मा की बात तो अपन बाद में करें, पहले धर्मात्मा की बात कर लें। तो धर्मात्मा कौन? जो अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होता हो, पहला काम सबसे पहले के सारे काम छोड़ करके पहले अपनी धर्म आराधना का काम करता हो। बंधुओं, धन संपत्ति का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धन संपत्ति का प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती के पास भी छह खंड की अधिपति था, पहले चक्रवर्ती सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ करके सबसे पहला काम करता है देव पूजा का। धर्मात्मा बने, धर्मात्मा बने, और धर्मात्मा बनने वाला ही एक दिन धन्य आत्मा बनता है। कौन बनता है? आप भगवान के दर्शन करते हो और जाकर के क्या कहते हो? धन घड़ी, धन दिवस, धन जन्म, मेरो भयो अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लो, ये कहलाते हैं धन्य आत्माएं। जिन्होंने अपने जीवन को धर्ममय बना लिया, जिनका जीवन धर्ममय आत्मसात हो गया और उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, ऐसी वे धन्य आत्माएं होती हैं। आपके पास अभी दो आत्मापना तो है, धन वाले हो और अगर आप धर्म के प्रति आस्था रखते हो तो धर्म आत्मा भी हो। बनना क्या है बताओ, क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? तो आप ये चाहते हो कि भगवान वो दिन कब आए, वो धन घड़ी, वो धन जन्म, वो धन दिवस, ये शुभ अवसर इस मनुष्य पर्याय में ही मिलने वाला है। बंधुओं, थोड़े बहुत देव आदि हैं, वो भी सम्यक दृष्टि हैं, वो भी भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं, लेकिन वे भी उतनी तरह कार्य नहीं कर सकते जितनी तुम कर सकते हो। अपने आप को आत्मसात करके उस धर्म के पायदान पर पहुंच करके धर्म को अपना आत्मसात करिए, संस्कारित करिए। यहां पर हम सब लोग ने आज जो आराधना की है, जो बात आज हमारे उन बच्चों को बताने के लिए जो हम अब प्रयास कर रहे हैं, छोटे छोटे सी ही बातें हैं, पर बंधु ये छोटी सी बात है उस बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगी और वो बड़ा होकर के यही कहेगा कि मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने, मेरे दादाजी ने, मेरी दादी ने मुझे ये कहा था, ये बताया था। दुनिया की किताबी ज्ञान भूल जाएगा लेकिन अपने दिए गए संस्कार को कभी भूल नहीं सकता, वो हमें देना जरूरी है। आज समाज का उत्थान करना चाहते हो आप, समाज के बारे में हम सोचते हैं पर समाज सुधार के साथ साथ समाज के अंदर संस्कार की क्रियाओं के बारे में हमें सोचना जरूरी है। आज हमें अपने युवाओं को और युवा साथियों को जब तक आप धर्म और धर्मात्माओं से नहीं जोड़ोगे तब तक आपका धर्म सुरक्षित रहने वाला नहीं है। आने वाला समय बहुत विषम है, बहुत विषम है। आए दिन तरह तरह की बुद्धियां, तरह तरह के वक्र प्रतियों वाले भी लोग आ रहे हैं और ये बात निश्चित है, पापियों के ऊपर कुछ नहीं होता, पुण्यात्माओं के ऊपर ही उपसर्ग होता है। क्यों?
एक बार आचार्य जी ने वो कहा था बहुत अच्छा, डरना उससे, बहुत अच्छा, गौर से सुनना, डरना उससे जो भगवान से न डरता हो। किससे डरना? जिसको भगवान का डर नहीं लगता वह सबसे बड़ा जगन्नाथमा है। अरे जिन्हें भगवान का बताया हुआ मार्ग पाकर के अगर वह स्वीकार करके और उसके पाप से डरना लगे, पतन के कार्यों से डरना लगे, तो ऐसे आदमी से डरना, भगवान से नहीं डरना, गुरु से मत डरना। इनके पास जितना जाओगे उतना तुम्हारा डर निडर में परिवर्तित होता चला जाएगा। आप उनसे डरो जिनको भगवान से डर नहीं है, जिन्हें धर्म से डर नहीं है, जिन्हें हिंसा क्या है, पाप क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। आज का ये पावन दिवस हमें यही संकेत देता है कि मानव को धनात्मा नहीं, धर्मात्मा बनो, और धर्मात्मा बनोगे तो धनात्मा तो अपने आप बन जाओगे। धन धर्मात्माओं के पीछे चलता है, कहना नहीं पड़ता कि इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनको बताना नहीं पड़ता कि धर्म कहाँ मिलेगा। अरे धन तो उनके पीछे रहता है, और जो धर्म की शरण में रहता है वो एक दिन, उसकी वो घड़ी, वो दिवस, वो पावन जन्म सार्थक होगा। हमें भी वही करना है कि मानव जीवन हमें सार्थक बनाना है। धन दिवस, धन जन्म, धन घड़ी मेरी भाई, हे भगवान जो आज आपकी पूजन करने का मुझे क्या मिला, सौभाग्य मिला है, मुझे आपकी आराधना करने का सौभाग्य मिला है, ये हाथ, ये जीवन अगर साक्षात धन्य करना हो तो प्रभु और गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर लो। हम वही करें इसी मंगल भावना के साथ आज का ये समागम का समय और आने वाला समय हम सब और विशेष विशेष बनाते चले जाएं। 20 अगस्त है, 23 अगस्त है, और फिर उसके बाद श्रावक संस्कार शिविर है। ये अवसर आप सब लोगों को मिलते चले जाएंगे। अब कैसे होगा, किस रूप में होगा, तो बंधुओं कुछ लोग पुण्य कमाते हैं धर्म आराधना करते, और कुछ पुण्य कमाते हैं धर्मात्माओं की सेवा करके। क्या करते हैं देखिए, बहुत बड़ा कार्य होता है धर्म आराधना करना और धर्म आराधना की साधना करने में सहयोगी बनना। आने वाले समय में आपको और बताऊंगा कि कैसे हम धर्मात्माओं के सहयोगी बने, धर्म आराधना के कार्य में अपने आप का योगदान दें। इतना ही आज का समय पूरा हुआ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थो थोड़ो, हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।